नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं केनरा बैंक की। क्वार्टर टू की बात करेंगे यहाँ पर और बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के एक नए टारगेट की। केनरा बैंक लगातार रैली में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छे लेवल्स पर है। राकेश झुंझुनवाला के स्टेक अनाउंसमेंट के बाद काफी अच्छी रैली यहाँ पर संभावित भी थी और वो यहाँ पर आए भी है। नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, क्या खरीदारी करनी चाहिए आपको या नहीं, क्वार्टर टू के नंबर्स कैसे आए हैं और उनको देख करके क्या लगता है कि स्टॉक कहां तक जा सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं कि क्वार्टर टू कैसा रहा है, तो खबरों की माने तो जो नेट प्रॉफिट रहा है आपका वो 3 गुना बढ़ चुका है। 1333 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट अनाउंस किया है कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में, राइडिंग ऑन ट्रेजरी एंड नॉन इंटरेस्ट इनकम एंड हायर कैश रिकवरी। कैश रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, ट्रेजरी और नॉन इंटरेस्ट इनकम जो रहा वो बढ़ा है आपका, तो गजब का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है। इससे पहले अगर आप पिछले साल का माने इसी समय पर, तो 444 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर हवर डिप टू 2.72% गिरावट आई है इन द क्वार्टर अंडर रिव्यू फ्रॉम 2.82%, 2.82% से 2.72% हुआ है हमारा। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें एनआईआई की, वाज अ शेड लोअर टू 6273 करोड़ फ्रॉम 6305 करोड़, वाई टोटल इनकम रोज अ स्लिम 2.5% के आसपास की टोटल इनकम बढ़ी है हमारी। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो एनआईआई में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो रेवेन्यू में तेजी है और नेट प्रॉफिट आपका 3 गुना बढ़ चुका है। तो ओवरऑल जो आपके लिए काम की बात है वो ये कि रेवेन्यू में ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। एनआईआई की बात करें थोड़ा गिरावट में जरूर है, एनआईएम में थोड़ी गिरावट है, बट 1-2% की गिरावट वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर चलती रहती है। इस बार अगर आप मानेंगे तो आरबीआई ने जो आपका मॉरेटोरियम था वो इश्यू करने से मतलब करा था, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बहुत सारे इनकम, बहुत सारी ईएमआई बैंक के पास नहीं आए हैं। किसी भी बैंक की अगर आप बात करें, नॉट ओनली केनरा बैंक, सरकारी हो प्राइवेट हो, आप वहां पर देखेंगे तो ये प्रॉब्लम रही है। प्रोविजंस की प्रॉब्लम जो रही है वो इस बार भी आती हुई दिखाई दी है और यही कारण है कि केनरा बैंक में थोड़ी सी गिरावट जो नंबर्स हैं एनआईआई और एनआईएम में यहाँ पर हुई है। बट केनरा बैंक का जो लोन ग्रोथ है वो बहुत ही गजब का हुआ है, यकीन मानिए आप। और 1300 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो इसको आने वाली तिमाही और उससे आगे भी लेकर के जाएगा। तो कहां तक आपका प्रॉफिट जाने वाला है इस क्वार्टर के बाद, क्योंकि जब रिजल्ट आ चुका है उसके बाद भी 3% की ग्रोथ है, तो साफ तौर पर रिजल्ट काफी पॉजिटिव है बैंक को लेकर के। और इसी कारणवश अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हो इस समय पर भी, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक की। अब देखिए कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक सवाल ये भी था, नॉर्मली अगर आप देखिए केनरा बैंक तो आज बहुत अच्छा राइड किया है इसने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद, और यहाँ पर खबरें भी बहुत अच्छी हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से भी खबर अच्छी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बैंक निफ्टी में क्योंकि आज गिरावट हुई है, एंड क्या यहाँ से गिरावट हो सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में गिरावट होती है तो बैंकिंग सेक्टर क्योंकि बैंक निफ्टी की वजह से ही भागे हैं, तो क्या यहाँ पर आपका बैंकिंग सेक्टर में दोबारा से गिरावट होगी, क्या कारण है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में गिरावट हुई है एंड क्या यहाँ पर और ज्यादा गिरावट आएगी। सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पर है। अब देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है उसकी बात कर लेते हैं। 4600 के आसपास का सपोर्ट है, प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि ये कैंडल जो है आपकी, यानी कि ये वाली कैंडल एंड फिर अगेन दूसरी वाली ये वाली कैंडल, दोनों ही कैंडल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई थी, और गैप अप ओपनिंग जब भी होती है तो स्टॉक जो है आपका या कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, वो उस लेवल को अटेन करने के लिए वापस आता है। वो जो गैप यहाँ पर हो जाता है ना, उस गैप को फिल करने के लिए स्टॉक आपका वापस आता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको वॉच आउट करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि 4600-4500 के आसपास का लेवल यहाँ पर क्रूशियल हो सकता है और यहाँ तक आपका जो इंडेक्स है वो गिरावट में आ सकता है, पहला कारण। दूसरे कारण की अगर आप बात करते हैं, दूसरा कारण आपका बड़ा ये है कि इस समय जो आरएसआई आपको 75 से काफी ऊपर निकल गया है, 70 से ऊपर निकल गया है, ऐसे में थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर आना संभावित है और वो आएगा भी। आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वोलेटाइल मार्केट इस समय पे, वोलेटाइल साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगी एफआईआई डीआईआई के डेटा में भी, और डीआईआई जहां खरीदारी कर रहे हैं, एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो ऐसे में जो वोलेटिलिटी वो बनेगी और ये लेवल आपको आता है वो दिखाई देगा 40500 का। उसके बाद उससे नीचे की गिरावट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। देन जो हमारा निफ्टी बैंक है वो 41800 के आसपास का लेवल आपको दिलाता हुआ दिखाई देगा। तो 41800 का आपका यहाँ पे एक अच्छा लेवल बनेगा, और डाउनसाइड अगर आप बात करें 40500-40600 के आसपास का आपका एक लेवल आएगा। डरने वाली बात नहीं, अगर यहाँ पर गिरावट होती भी है तो थोड़ा बहुत करेक्शन अगर किसी स्टॉक में आता भी है, वो केनरा बैंक भी हो सकता है, वो कोई और बैंक भी हो सकता है, कोई और स्टॉक भी हो सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, होल्ड करके रखें आप स्टॉक को, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा।
ठीक है, बैंक निफ्टी की समस्या तो यहाँ पर खत्म होती है। केनरा बैंक की यहाँ पर बात करें तो क्वार्टर टू इसका बहुत गजब कर रहा है और एलकेपी सिक्योरिटीज का टारगेट की अगर आप बात करें तो इन्होंने 160 के आसपास ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, मैंने आपको बताया विद उस टाइम पर भी, और 210 रुपए का टारगेट दिया था। इस समय पे 200 रुपए का ट्रेड हो रहा है और 210 भी अगर आप लेकर के चलते हो तो 5% का अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में आने को मिलेगा, देखने को मिल सकता है। ओवरऑल यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है, बट सिर्फ 5% के लिए नहीं करनी है, कितने परसेंट के लिए करनी है उसकी बात करते हैं। देखिए इस समय पर आपको जो बाजार है वो एक रेंज में दिखाई देता है, स्लाइटली इन द रेंज। आप देखिए अपसाइड पर आपका ये रेंज बना चुका है 207 से लेकर के डाउनवर्ड 193 के आसपास का। लास्ट टाइम में मैंने वीडियो किया था, मैंने आपको बोला था 193 के आसपास की गिरावट होगी और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। नेक्स्ट डे यहाँ पर गिरावट हुई थी, वहां पर अगर आपने माल उठाया है तो आपको बहुत अच्छा लेवल यहाँ पर मिल चुका है। अभी अगर आप देखेंगे तो क्योंकि बाजार काफी अपसाइड में है, आरएसआई काफी बेहतर है, अगर आप मैग्डी की बात करें, हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम भी आपका काफी बेहतर बना है, बायर्स का कंट्रोल यहाँ पर पूरा है। आरजे साहब ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है तो श्योरली 160-162 के आसपास का उनका प्राइस रहा था जब खबर आई थी, मुझे याद है तभी मैंने आपको अनाउंसमेंट किया था यहाँ पे कि केनरा बैंक में एक अच्छी रैली आएगी और आरजे साहब ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो 162 से आप देख लीजिए 200 हो चुका है और वो बेचने वाली पार्टी नहीं है कि 20% 25% प्रॉफिट आया निकाल दो, नहीं, वो स्टॉक को डबल करवा के ही मानते हैं। तो यहाँ पर केनरा बैंक कम से कम डबल होने वाला है, 300-320 के आसपास का टारगेट अगर आप रखते हो आने वाले एक साल डेढ़ साल दो साल का, तो ये स्टॉक आपको उतना ला करके देगा, दो साल तो नहीं पर हाँ एक साल में आपको ये टारगेट आ जाएगा। तो होल्ड करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। आरएसआई की बात करें तो 65 का आपका आरएसआई है, स्ट्रांगली बुल रन है, यहाँ से एक ब्रेकआउट की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। बाजार स्ट्रेंथ में है इस समय पे, वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, हालांकि आज गिरावट हुई है बट वो थोड़ा शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है। अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो वो एक रेंज में ही रहने वाला है, ब्रेकआउट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, अपसाइड का ब्रेकआउट आपको आएगा यहाँ पे, तो होल्ड करके रखो स्टॉक को, बेचने की गलती यहाँ पर मत करना। क्वार्टर टू हो, क्वार्टर टू को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट एनालिसिस होंगे बट आपके जो मेन पॉइंट है रेवेन्यू वगैरह के वो इंटैक्ट है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई टेंशन होनी चाहिए। 218 का पहला रेजिस्टेंस है एंड पहला टारगेट अगर आप बात करें तो 225 का आपका मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए अगर आप यहाँ से खरीदारी करके चलते हैं तो। 204 का एक अच्छा सपोर्ट है और डाउनवर्ड बात करें तो 193 का, मतलब कि 193 के आसपास बाय करना है आपको, और जैसे ही आपका ये ब्रेकआउट देता है 204 का जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा आपके लिए और 225 का पहला टारगेट बन जाएगा। मैग्डी स्ट्रांगली बुल रन में है और हिस्टोग्राम आपके अपसाइड बन रहे हैं, यानी कि बायर्स का फुल कंट्रोल है यहाँ पे, तो खरीदारी बिल्कुल करके चलो। एलकेपी सिक्योरिटीज का आप टारगेट भी जानते हो 210 रुपए का है, तो ये भी आता हुआ दिखाई देगा। बात बाजार की करें तो बाजार के हालात काफी ठीक है, थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आई है बट दैट डजंट मीन कि स्टॉक मार्केट इज गोइंग इनटू अ बेयर मोमेंटम, तो वो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। बेरिश नहीं हो रहा है बाजार, स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग तो हमेशा आती रहेगी, जिसका टारगेट पूरा होगा वो अपना बेचेगा, जिसका टारगेट अभी वहां से शुरू होगा वो खरीदारी करेगा, तो बाय करके चलो। बाजार अच्छा है, केनरा बैंक स्टॉक अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर से आ रही रैली और यही मौका है आपका बैंकिंग में पैसा बनाने का। खरीदारी करने की सलाह, 225 का टारगेट है और बाकी लास्ट कॉल आपका है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी से स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।